हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर वन का एग्ज़ाम दिए थे और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और एसएससी की तरफ से एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर वन का ऑफिशियल कट ऑफ और रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप अपने एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर वन का ऑफिशियल कट ऑफ और रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पर रिजल्ट वाला सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे जो वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन टीयर वन 2024, यानी जो आपका सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका टीयर वन का जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपका दो लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। देखिए जो आपका पहला जो लिस्ट है ना, आपका एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए जो वो जारी किया गया है, और ये जो दूसरा लिस्ट है ना ऊपर में आपको जो देखने को मिल रहा है, ये जो आपका लिस्ट है ये आपका डीईओ के डीईओ जो पोस्ट है ना उसके लिए आपका लिस्ट टू में जो कैंडिडेट्स है वो अपीयर्ड हुए टीयर टू के लिए, उसका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। तो आप देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए जो वो अप्लाई किए थे। तो देखिए सबसे पहले ऑफिशियल कटअप के लिए जो आपको यहाँ पर राइटअप ये देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली जो आपको इस पर क्लिक करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, आपके यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका सीएचएसएल टीयर वन का जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 से लेकर जो है 11 जुलाई 2024 तक जो आपका एग्ज़ाम जो है वो टीयर वन का लिया गया था। उसके बाद आपका यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आपका जो है एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए जो आपका ऑफिशियल कटअप बताया गया कि यूआर के लिए जो आपका कटअप है ना वो आपका 157.36 गया है, और इसमें जो आपके कैंडिडेट्स अवेलेबल यानी जो आपके टीयर टू के लिए जो क्वालिफाई किए गए यूआर में, वो आपका 6,362 कैंडिडेट जो है वो आपके क्वालिफाई किए गए हैं। वहीं अगर बात कर ले एससी का जो कटअप है ना वो आपका 139.68 गया है, एसटी का जो कटअप है आपका 129.44 गया है। अब मैं आपको बता दूं कि आप मेरा सीएचएसएल 2024 का कटअप दीजिए देखिएगा, मैं ऑलमोस्ट जो कटअप बताया था ना सेम आपका यही कटअप गया है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका कटअप सही नहीं जाता है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीएचएसएल कटअप वीडियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने यूआर का जो कटअप बताया था वो आपका 155 बताया था नॉर्मलाइजेशन के बाद, और सकते कि 157 जो यूआर का कटअप गया है। वहीं अगर ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी का 156.61 गया है, ईडब्ल्यूएस का आपका 150.51 गया है। आप ये सारे कैटेगरी का जो कटअप है वो आप देख सकते हैं, और एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए टीयर टू के लिए जो है लगभग 39,835 कैंडिडेट जो है वो आपके क्वालिफाई किए गए हैं। वहीं अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर और डीओ ग्रेड ए के कटअप की बात कर ले तो इसमें यूआर का जो कटअप है ऑलमोस्ट आपका 176.27 गया है, एससी का जो कटअप है ये आपका 166.67 गया है, और सारे कैटेगरी का आप कटअप जो है आप डीओ और ग्रेड ए के लिए जो वो देख सकते हैं, और इसमें टीयर टू के लिए जो है आपके 1,630 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका टीयर टू का जो एग्ज़ाम डेट है ना अभी जारी आप नहीं किया गया, आप 8वें नंबर पॉइंट पे यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि द शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ टीयर टू एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी जब टीयर टू का जो आपका एग्जामिनेशन का डेट जो जारी किया जाएगा ना उस समय जो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपका बता दिया जाएगा। हालांकि अभी तक आपका टीयर टू का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही टीयर टू का एग्ज़ाम डेट आता है मैं आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको सीएचएसएल टीयर वन का जो है रिजल्ट कैसे चेक करना है।
तो देखिए फिर से जो आपका एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना और रिजल्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करके जो है आपको ये रिजल्ट वाला, अगर आप देखिए मैं आपको बता दूं कि एलडीसी और जेएसएफ पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे तो आपको जो लिस्ट वन देखने को मिल रहा है ना, ये आपका एलडीसी और जो है जेएसएफ पोस्ट के लिए है। तो सिंपली आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सिंपली ये आपका कितना एमबी का, तो ये आपका 5.28 MB का है। ऐसे में आपको ये जो है टेलीग्राम पर इस लिस्ट वन भी आपको दे दूंगा, सारा पीडीएफ दे दूंगा। तो आपको जो ये पीडीएफ जो वो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे ना, तो इस प्रकार से आपका पीडीएफ जो वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपका जो रोल नंबर जो वो देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो आपका फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो वो देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका कैटेगरी भी बताया गया कि कौन सा कैटेगरी, जैसे 9 नंबर कौन सा कैटेगरी है, 3 नंबर जो है कौन सा कैटेगरी, 1 नंबर आपका कौन सा कैटेगरी, ये सारा कुछ आपका बताया गया है। अब चेक कैसे करना मैं आपको बता दूं। तो देखिए आपको जब पीडीएफ जब खोलेगा ना, तो यहां पे 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको 3 डॉट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर फाइंड जो वो देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको फाइंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना रोल नंबर डालना है। तो देखिए एक बच्चे ने जो मुझसे अपना रोल नंबर शेयर किया था, इनका जो रोल नंबर था 200 उसके बाद 300 8562 था, ठीक है। इनको मैंने ही आपका एग्जाम एनालिसिस भी करवाया था, उस समय जो ये रोल नंबर दिए थे, तो इनका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं देख लेते हैं। तो देखिए इनका जो है आपका देख सकते हैं कि इनका नाम जो वो आ गया है, यानी अंकुश कुमार जो है ये यानी टीयर 2 के लिए जो वो क्वालिफाई कर गए हैं। यानी इन बच्चों के लिए जो है मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं, टीयर 2 जो आप अच्छे से दीजिएगा और CHSL में जो आप सिलेक्शन जरूर ले लीजिएगा। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि मतलब कि अपना क्रेडिट ले लेते हैं। जैसे कि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, मैं बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका हूं, लेकिन मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं कि और जो दिखावा ही करना है। जो हो सकता है मैं जितना एफर्ट हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना है, और इसी तरह SSC की पल-पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।